हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अधूराम अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे टोकन्स एंड कीवर्ड इन जावा। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे इसे हम यूज करते हैं, क्या इसके रूल्स है, ठीक है, ये सब आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे अधूराम अकेडमी कुछ सोशल नेटवर्क हो गए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डाउट होगा या फिर कुछ क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे अधूराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में से डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ आपको सारे कोर्स में, जैसे आपके बीटेक के, डिप्लोमा के, पॉलिटेक्निक के, वो सारे ब्रांच में के सारे सेमेस्टर के आपका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप उसे फ्री में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम देखते हैं जावा टोकन्स होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि टोकन इज बेसिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट कैन आइडेंटिफाई बाय द कंपाइलर। मतलब हमारा एक टोकन्स क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो हमारे कंपाइलर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसा सोच सकते हैं कि हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे सोचें, कि मान के चलिए जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी, तो ये नेचुरल लैंग्वेज के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड ही तो है ना। उसी तरह हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब जो सेंटेंस हुए, ठीक है, वो सेंटेंस या फिर इंस्ट्रक्शन हुए, वो हमारे क्या है, वो कलेक्शन ऑफ टोकन्स है। तो हम टोकन को वर्ड से लिंक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि क्या है कि ऐसा वो ऐसा सेंटेंस जिसे ऐसा एलिमेंट जिसे हमें मीनिंग समझ में आए, मतलब वर्ड जैसे आपका अगर ए बी सी डी है तो आप ए बी सी डी ठीक है अल्फाबेट है बट कुछ मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, बट ए फॉर एप्पल बोल रहे हो तो आपको मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा उसी तरह कुछ ऐसा ऐसा एलिमेंट जिससे हमारा कुछ मीनिंग निकल के आए उसे हम वर्ड की तरह या फिर टोकन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, या आपको जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमारे उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, उसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, कंस्ट्रक्ट होते हैं टोकन की हेल्प से, आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग जावा टोकन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अ जावा प्रोग्राम इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। मतलब हमारे जावा प्रोग्राम जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं या कंस्ट्रक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। बहुत सारे टाइप के टोकन है, उसके हेल्प से हमारे क्रिएट होते हैं। अच्छा, वो डिफरेंट टाइप के टोकन होते क्या है, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, हमारे पाँच तरह से या पांच टोकन्स कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के। वन इज कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, सेपरेटर एंड ऑपरेटर। ये सब पांचों हम देखेंगे या डिस्क्राइब में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, कीवर्ड इज अ लाइक इन जावा देयर आर सेट ऑफ रिजर्व वर्ड दैट यू कैन नॉट यूज एज अ आइडेंटिफायर। मतलब बहुत ऐसी रिजर्व वर्ड है। अच्छा, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान के चलिए आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, आप कोई फ्लैट रेंट पे लिए हो, तो वो फ्लैट कि जितने भी मतलब वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, मतलब आपके अकॉर्डिंग यूज होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यूज किए होंगे, क्योंकि आप रिजर्व किए हो कुछ टाइम के लिए, जिस जितने टाइम के लिए आप रिजर्व किए हो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर रिजर्व नहीं है, अगर आप रेंट नहीं लिए हो तो उस टाइम पीरियड के पास वो फिर जो ऑनर होंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। तो उसी तरह हमारा रिजर्व क्या हुआ कि आपके अकॉर्डिंग वो यूज होगा। सिमिलरली हमारे कीवर्ड क्या है, कंपाइलर की तरह यूज होता है। मतलब कंपाइलर को पता होता है कि कौन से कीवर्ड का मीनिंग क्या है, उसे सारा पता होता है, यहाँ प्री डिफाइन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। दिस वर्ड आज दिज वर्ड आर नोन एज रिजर्व वर्ड एंड या कीवर्ड, ये दोनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ऐसे आइडेंटिफायर नहीं कह सकते बट स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कह सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर इसलिए नहीं कहते क्योंकि आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल भी होता है, तो वेरिएबल तो ये है नहीं, इसे हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं करते, ये कीवर्ड है, इसे पता होता है कंपाइलर को इसका मीनिंग। ठीक है, एंड देयर फंक्शन इज प्रीडिफाइंड बाय द कंपाइलर। मतलब ये हमारे जो भी कीवर्ड होते हैं उसकी मीनिंग्स क्या है वो कंपाइलर को पहले से पता होता है, प्री डिफाइन होता है, मतलब पहले से पता होता है, हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो कीवर्ड होते हैं जैसे आपके मान के चलिए कि जैसे कीवर्ड लाइक इंट होते हैं, कैर होते हैं, ये सब कीवर्ड है, तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इंट के साइज कितने होंगे,
ठीक है, या फिर इंट कैसा वैल्यू स्टोर करेगा, ये पहले से डिफाइन होता है। ये हम देख चुके हैं पहले लेक्चर में कि ये इंट क्या होता है, कैर सरा टाइप के बारे में देखे थे हम, वहाँ आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, एज एनी अदर आइडेंटिफायर। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जैसे मान के चलिए अगर कोई भी इंट नाम का एक कीवर्ड है, ठीक है, वो आपको आपके कंपाइलर को पता है कि इसका मीनिंग क्या है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है, कंपाइलर मतलब एरर को, अगर एरर होगा तो एरर जनरेट करेगा, एरर नहीं होगा तो एरर जनरेट नहीं करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने में कंपाइलर हेल्प करता है, और उसे पता होता है कि इस कीवर्ड का मीनिंग क्या हो। मान के चलिए आप इस कोई भी पार्टिकुलर कीवर्ड है, जैसे इंट नाम का कीवर्ड है, आप उसे वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हो, तो कंपाइलर समझेगा कि इस कीवर्ड का मीनिंग तो हमारे समझ से ये था, और वो उस डिफिनेशन को वहां समझेगा, पेस्ट करेगा या फिर उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेगा, बट आपके अकॉर्डिंग तो वो वेरिएबल है। तो ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते, या फिर एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर इज बेसिकली यूज एज ए वेरिएबल नेम सच एज सम, टोटल, इटीसी। मतलब आइडेंटिफायर जो भी होते हैं हमारे, वो जो वेरिएबल नेम होते हैं, जो हम फंक्शन, मेथड तो एक ही हुआ, फंक्शन जो वेरिएबल, या फिर क्लास नेम, या फिर स्ट्रक्चर नेम, या फिर एरे नेम, ये सारे नेम में हम जो वेरिएबल यूज करते हैं उस वेरिएबल को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर इज अ वेरी यूजफुल, क्योंकि आइडेंटिफायर के बिना आप किसी भी लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर है, किसी वेरिएबल को आप नाम नहीं दे सकते। नाम देना है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिफायर के द्वारा ही हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट आर एक्सप्रेशन विथ इम्यूटेबल वैल्यू। इम्यूटेबल मतलब क्या? मतलब यार जो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा सोच सकते हैं हम। बट जो मैथमेटिक्स में क्या था, कॉन्स्टेंट मतलब आपको वैल्यू फिक्स होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा जस्ट थिंकिंग लिंकअप कुछ अलग तरह से कर सकते हो। जैसे हमारा कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, जानते हैं सॉफ्टवेयर जो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। जैसे मान के चलिए एटीएम का सॉफ्टवेयर है, तो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को तो मैनेज कर रहा है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके मैनेज कर रहा है, या फिर आपके फोन बुक सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, वो आपके कॉन्टैक्ट या फिर नेम या फिर फोन नंबर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होते हैं इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू इन्फॉर्मेशन को ये वैल्यू बोलते हैं, या फिर डेटा बोलते हैं, इसे ही हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉन्स्टेंट? क्योंकि जैसे हम देखें कि रहता है एंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये इंट ए इज इक्वल टू 5 है, तो मतलब 5 क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, या फिर यहाँ कुछ भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो ठीक है, वो एक वैल्यू है जिसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, लेकिन ए क्या है, ए एक वेरिएबल है, जो इस जो आप उस ए में आप कुछ भी रख सकते हो, 5 भी रह सकते हो, 7 भी रह सकते हो, कुछ भी रह सकते हो। ठीक है, बट 5 क्या एक वैल्यू है जो एक कॉन्स्टेंट तरह यहाँ यूज होता है, एक इन अ प्रोग्राम में, मतलब सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हमारा कॉन्स्टेंट का मतलब ये वैल्यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर इज अ टोकन यूज टू सेपरेट टू इंडिविजुअल टोकन। यस, सेपरेटर क्या है हमारा, कि एक टोकन है जो हमारे दो इंडिविजुअल टोकन को सेपरेट करने में हेल्प करता है। आपको नाम से लग रहा होगा सेपरेटर, मतलब ये सेपरेट करने में हेल्प करता है, यूज होता है। अच्छा, टोकन तो हम समझ लेते हैं कि टोकन हमारा क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस दोनों के बीच में कुछ सेपरेट करने के लिए काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेपरेटर ही कर रहा है। ठीक है, और सेपरेटर को हम कहते हैं पंक्चुएटर भी कहते हैं, और पंक्चुएटर कुछ यहाँ एग्जाम्पल भी है कि आपका ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ये हमारा दो टोकन के बीच सेपरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इस सारे जो भी हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसे हम कहते हैं सेपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है हमारा, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जो नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, दोनों के लिए ऑपरेटर ही हमारा हेल्पफुल होता है। जैसे हम देखे भी थे मैथमेटिक्स में, हम जानते भी है कि ऑपरेटर हमारा दो ऑपरेंड के बीच में कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, या फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो दो ऑपरेटर के बीच में
कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। बट हमारा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है बट नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है, मतलब बिना कैलकुलेशन के भी ये ऑपरेटर होते हैं बहुत सारे। ये सब हम आगे देखेंगे ऑपरेटर की चैप्टर में, जब देखेंगे डिस्कशन करेंगे तो हम जानेंगे कि ऑपरेटर के कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जो हमारे मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जावा कीवर्ड। ये हम देख चुके हैं जावा कीवर्ड, इसकी कुछ नेमिंग है, ये हम देखने जा रहे हैं कि क्या कौन कौन से जावा कीवर्ड होते हैं। यहाँ कुछ 50 है शायद, आप यहाँ देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट केस ये हमारे कीवर्ड है, मतलब इस कीवर्ड को आप ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इस कीवर्ड के हेल्प से ये कीवर्ड को आप वेरिएबल की तरह या फिर आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, अगर करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बस ध्यान याद नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कीवर्ड। वैसे आप प्रोग्राम जब रन करने लगोगे ना, यूज करने लगोगे, तो आपको माइंड में अपने आप ये सेट हो जाएगी कि ये सब कीवर्ड होते हैं, आपको इस कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसे देखना है, बस एक समझ लेना है, माइंड में रखना है, याद नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ कुछ एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है कि आपका ट्रू फॉल्स नल ये तीन कीवर्ड की तरह यूज नहीं होता, ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि हमें लगता है बार बार कि ये ट्रू फॉल्स तो लगता है ध्यान में कभी आ जाता है कि ये कीवर्ड है, बट ये कीवर्ड नहीं है, ट्रू फॉल्स एंड नल ये कीवर्ड नहीं है, ये हमारा एक आइडेंटिफायर ही है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जावा लिटरल क्या होता है। लिटरल इज लाइक टू एक्सप्रेस सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सप्रेस सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू विद इन द सोर्स कोड, ठीक है। अब लिटरल का ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल में, तो वो हमारा लिटरल हो गया, ठीक है। जब आप उस वैल्यू को डायरेक्टली स्टोर कर रहे हो बिना किसी कंप्यूटेशन के, विदाउट एनी कंप्यूटेशन, ठीक है। लिटरल कैन बी असाइन टू एनी प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल, मतलब लिटरल हमारा किसी प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल में हमारा असाइन होता है। अच्छा, प्रिमिटिव क्या हुआ, प्रिमिटिव हम देखे थे पहले, हम देख चुके लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रिमिटिव ऐसा हुआ जो आपका बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक डेटा टाइप हुए, जैसे आपका इंट हुए या फिर इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, ये सब आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो आपका ओनली वन वैल्यू स्टोर कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, और प्रिमिटिव डेटा टाइप बारे में आप देख भी चुके हैं, वहाँ जाके देख भी सकते हैं अगर आप मिस करते हैं उस लेक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं लिटरल ये कैसे होता है। हमारा एग्जाम्पल है बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब आप फॉल्स जो वैल्यू है उसे आप असाइन कर रहे हो फ्लैग नाम के वेरिएबल में, है ना। तो ये क्या हुआ कि आप सर्टेन फिक्स वैल्यू को आप असाइन कर रहे हो इस वेरिएबल में जिसका टाइप है बुलियन डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये बुलियन क्या हुआ, एक डेटा टाइप हो गया, और फ्लैग FLG फ्लैग हो गया, वेरिएबल हो गया, फॉल्स हमारा एक लिटरल हो गया, जो जिस लेटर को आप सोर्स कोड के थ्रू, मतलब प्रोग्राम में आप किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लिटरल क्या क्या हो सकते हैं। हमारे इंटीजर लेटर भी होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी होते हैं, स्ट्रिंग टाइप भी लेटर होते हैं, ठीक है। इस तीनों टाइप को हम अच्छे से जानेंगे, आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं 15 इंटीजर क्या हुआ, हमारा कोई भी वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू हो, जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, मतलब कोई डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं होते हैं, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होते, वनली एक वैल्यू कॉन्स्टेंट होते हैं, वो हमारा क्या हुआ, हमारा इंटीजर वेरिएबल हुआ, ठीक है, वैल्यू हुआ। नेक्स्ट हमारा या फिर लिटरल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, एंड नेक्स्ट वन इज जो लेटर रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। ये से हम जानते हैं, पहले जानते हैं इंटीजर लिटरल क्या होता है। इंटीजर लिटरल आर यूज टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल बाइनरी और हेक्साडेसिमल वैल्यू, मतलब डेसिमल या फिर बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में हमारा इंटीजर लेटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर डेसिमल वैल्यू तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया, बट हमारा बाइनरी वैल्यू क्या हुआ, जो 0, 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या हुआ, वो भी हमारे डेसिमल वैल्यू में होता है, बट इसे रिप्रेजेंट करने का कुछ अलग तरीका है, ये देखते हैं क्या इसका वेज है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीजर लिटरल होते हैं उसे हम जैसे इनिशियलाइज, जैसे क्या कह रहा है, इंटीजर लिटरल आर यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप लाइक दिस, मतलब हमारे जो इंटीजर लिटरल होते हैं वो यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए कौन से वेरिएबल को, वैसा वेरिएबल जो बूलियन, सॉरी जो बाइट, शॉर्ट,
इंट लॉन्ग, ये चार डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को असाइन करने के लिए हमारा इंटीजर लिटरल नीड होता है, ठीक है। अच्छा ये चार क्यों नाम देगा जब हमारा इंटीजर लिटरल ही असाइन करता है, क्योंकि ये चार लिटरल तो दोनों सेम असाइन करता है बट दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग है, मतलब हमारा बाइट का 1 है, शॉर्ट का 2 है, इंट का 4 है, लॉन्ग का 8 है, 8 byte, ठीक है। तो ये हमारा बस स्टोरेज कैपेसिटी को अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए चार नाम दिया गया, बट दो चारों हमारा इंटीजर वैल्यू को या फिर इंटीजर लिटरल को ही स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है या इंटीजर लिटरल दैट इन विथ स्मॉल एल और कैपिटल एल, वो हमारा लॉन्ग टाइप का वेरिएबल होगा, लॉन्ग टाइप का लिटरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बड़े लिटरल क्या करता है, वो स्टार्ट होता है दिस सिंटैक्स से, दिस प्रीफिक्सेस के तरह यूज होता है। प्रीफिक्स मतलब आपका जो वैल्यू है 0 1 का, जो भी वैल्यू आपका दिया हुआ डाटा है, इन्फॉर्मेशन जो रियल डाटा है, उस डाटा से पहले हम ये सिंबल यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा ये बाइनरी लिटरल। उसी तरह हमारा हेक्साडेसिमल में भी हम दिस सिंबल को यूज करते हैं तो पता चलता है हमारा ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये फिर लिटरल है, ठीक है। और जो हमारा रेस्ट डेसिमल लिटरल है उसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हमारा ये हुआ कि जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फिर, या फिर वैसा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है जो फ्लोट टाइप या डबल टाइप का वेरिएबल हो, ठीक है। तो फ्लोट और डबल टाइप हम समझेंगे कैसे। फ्लोट टाइप मतलब वो कि जो आपका स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ से एंड हो रहा है, ऐसा लिटरल जैसे आप देख रहे हो एग्जांपल में कि फ्लोट टाइप का ये वेरिएबल है और इसका वैल्यू आपका 3.4f है, इतने हम समझ जाएंगे कि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। उसी तरह हमारा डबल टाइप में क्या है, 3.4 है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ यूज नहीं किया, या फिर हम ऐसे यूज भी कर सकते हैं। और डबल टाइप के ऑप्शनली एंड विथ मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब ये हो सकते हैं कि एंड भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फ्लोट में क्या होता है आपका एंड होगा स्मॉल एफ से या फिर कैपिटल एफ से, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं इट कैन बी एक्सप्रेस इन अ साइंटिफिक नोटेशन यूजिंग ई और स्मॉल ई। ई क्या हुआ इससे आपका दिख रहा होगा कि ई मतलब क्या हुआ, यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं 3.445 × 10⁻², ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ई का रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर लिटरल क्या होता है। स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर लिटरल इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड यूज एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज सराउंडेड बाय डबल कोट एंड अ कैरेक्टर लेटर इज रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल कोट, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग लेटर होता है वो मोर देन वन सिंबल होता है जो डबल कोट से कवर अप, मतलब डबल कोट के अंदर होता है। जैसे आपका यहाँ डबल कोट के अंदर कोई वैल्यू लिखा होगा तो वो आपका स्ट्रिंग लेटर होगा, बट अगर सिंगल कोट के अंदर कोई एक सिंबल होनी चाहिए, ये आपका एक रूल कह सकते हैं हम कि एक सिंबल ही होनी चाहिए, ओनली वन सिंबल। अगर टू सिंबल हो गया आपका डबल कोट, अगर सिंगल कोट लगा भी है तो वो आपका कैरेक्टर नहीं होगा कि टू सिंबल है, ठीक है। बट एक स्पेशल केस कह सकते हैं कि आपका ये बैकस्लैश, टैब, न्यू लाइन या फिर फॉर्म फिट, ये सब आपका कैरेक्टर हो गया, जबकि आपका डबल सिंबल यूज हो रहा है, बट इस सारे को हम कैरेक्टर बोल सकते हैं, ये हमारा स्पेशल केस हुआ। जैसे आप अगर -3 डायल मतलब -3 टाइप करोगे, ये हमारा कैरेक्टर नहीं हुआ क्योंकि ये दो सिंबल है ना, बट आप 3 करोगे तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया क्योंकि ये सिंगल सिंबल है, या फिर ए करोगे तो ये हमारा एक सिंगल सिंबल है, बट ये स्पेशल केस है, हमारा बैक स्लैश या फिर टैब ये सब स्पेशल सिंबल है जो हम कैरेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बूलियन लेटर क्या होता है। बूलियन लेटर हम देखें कि ये ट्रू और फॉल्स दो ही इसका वैल्यू हो सकता है, ये पिछले लेक्चर में हम यहाँ विश्लेषण कर चुके हैं, ठीक है। बूलियन लेटर यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा थर्ड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ ट्रू हमारा बूलियन लेटर हो गया और जो असाइन हो रहा है वेरिएबल का नाम क्या है, फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जावा टोकन, डिफरेंट टाइप ऑफ जावा टोकन मतलब जावा टोकन के कौन कौन से टाइप है ये आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरल लाइक वन टी इज देयर,
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है. व्हाट आर द कीवर्ड इन जावा, मतलब जावा में कीवर्ड क्या होता है, इसे आप कैसे यूज़ करते हैं ये भी आप लिख सकते हैं, बट क्या होता है, दिस वॉज द क्वेश्चन, ठीक है. एंड एग्जाम्पल के साथ आप इसका आंसर दोगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल कुछ रूल्स भी है, ये सब हम आगे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है. और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है. ये हमारे अधूरा मगर नाम से एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे जो अभी देखे हैं और देखते आएंगे, जो आगे देखेंगे वो सारे PDF अवेलेबल है फ्री में, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है. तो आप अगर इससे डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है. और चलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू.